नमस्कार, मैं अनुमेहा तिवारी आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। मेरे एक दोस्त हैं जो नोएडा साइड रहते हैं और उनकी जॉब कुछ ऐसी है जिसमें उनको काफ़ी प्रेस भी है, कभी बॉस को या कभी क्लाइंट को। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो प्रेजेंटेशन देते टाइम काफ़ी नर्वस हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको अपना काम नहीं आता है, बस वो लोगों के सामने बोलने से हिचकिचाते हैं। इस प्रॉब्लम को हम सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। सर्वे के अनुसार 7% लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और आज की वीडियो में हम जानेंगे इसी बीमारी के बारे में। मैं कंटेंट काफ़ी रिसर्च करके लाती हूँ और इजी भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ, तो इस वीडियो को प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। एक सर्वे के अनुसार 7% लोग ऐसे हैं जिनको लोगों से मिलने में, बात करने में हिचकिचाहट होती है। इसलिए नहीं कि वो मिलना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। अगर उनको कई लोगों के सामने अपनी बात रखनी होती है तो उनकी हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पसीना आने लगता है, घबराहट होने लगती है, बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल यानी कि असहज हो जाते हैं। इस वजह से उनके सोशल लाइफ पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो पब्लिक में अपनी बात नहीं रख पाते और लोग उन्हें गलत समझ लेते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी बात नहीं रख पाते हैं तो कुछ लोग आपको घमंडी समझते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं होती है। अपनी बीमारी की वजह से अपनी बात ना रख पाना भी एक, अगर इस तरह की उनकी जॉब है जहां उन्हें प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है या पब्लिकली बोलना पड़ता है, तो इस बीमारी का असर उनकी नौकरी पर भी दिखना शुरू हो जाता है। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि इस बीमारी से लड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। वो प्रयास ही नहीं करते और इस सिचुएशन से भागने लगते हैं और उनका ये डर उनकी ज़िंदगी पर हावी होने लगता है। डॉक्टर के इलाज और कंसल्टेशन से ये बीमारी पूरी तरीके से ठीक भी हो सकती है, ये रिसर्च में प्रूव भी हुआ है। एक्सपर्ट या डॉक्टर की माने तो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। लोगों के सामने बात करने में हिचकिचाहट होती है और अंदर से पैनिक अटैक आने लगते हैं। एग्ज़ाम में थ्योरी पेपर तो कंफर्टेबली दे लेते हैं, लेकिन जब भी उनको एग्जामिनर को फेस करने की बारी आती है तो उनको एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है। उनके नॉलेज में कोई कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी उनको पैनिक अटैक आने लगते हैं। अपने बॉस के सामने अपना काम को प्रेजेंट करना हो, क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन देनी हो, तो उनको एंजाइटी होने लगती है। ये सब सोशल सिचुएशन है और जिन लोगों को सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है उनके दिमाग में हमेशा इवैल्यूएशन अप्रिहेंशन चलता रहता है, यानी कि वो सोचते रहते हैं कि लोग उनकी बातों को बुरा मान जाएंगे या लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। और जो इवैल्यूएट करते हैं उनके सामने ये समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और पैनिक के रूप में दिखाई देती है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के मिले जुले कारण कुछ ये हैं। ये जेनेटिकली भी हो सकती है, इसके कुछ बायोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं और इसके कुछ न्यूरोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं। न्यूरोकेमिकल्स और न्यूरोहार्मोन्स के इम्बैलेंस मतलब बैलेंस बिगड़ जाने के कारण भी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, जो डॉक्टर की सलाह से दवाइयों से ठीक हो सकता है। इन लोगों के शरीर के अंदर भी कुछ लक्षण महसूस होते हैं जब ये सोशल सिचुएशन में होते हैं, जैसे कि हद से ज़्यादा पसीना आना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, मुंह सूखना, हाथ पैरों में कंपन महसूस होना, पेट खराब होना, उल्टी जैसा लगना, सांस लेने में दिक्कत महसूस होना और चक्कर आना। जिस किसी के अंदर ये सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर हो तो वो डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। डॉक्टर इस बीमारी का इलाज में कुछ दवाइयों का सहारा लेते हैं जिससे दिमाग में होने वाले केमिकल इम्बैलेंस को ठीक किया जा सकता है। और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी हमारे सोच डर का कारण और उसके आने की वजह को ठीक किया जाता है और जिस बात से लोग डरते हैं उसको फेस करने की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि एंजाइटी कम हो सके। इसमें दोस्तों का भी सहयोग बहुत ज़रूरी है और लोगों को दोस्तों का सहारा लेना चाहिए। अगर ऑफिस में कोई बड़ी प्रेजेंटेशन देनी है तो पहले अपने कलीग के सामने प्रेजेंटेशन दें, उसकी प्रैक्टिस करें। अपने क्लोज दोस्तों के प्रेजेंटेशन उनको देना चाहिए जिनके सामने आप कंफर्टेबल हो। इस तरह आप एंजाइटी को कम कर सकते हैं और प्रेजेंटेशन को पब्लिकली भी दे सकते हैं।
यदि आपको भी इनमें से कोई भी समस्या है तो सुझाए हुए सलाह पर अमल करें और डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें और उसके अनुसार ही अपना इलाज करें और सुझाए व्यवहार का पालन करें। अंत में हमेशा की तरह कुछ ज़रूरी टिप्स जो इस समस्या को निपटने में मदद कर सकती है। ऐसे लोग खुद की इस तरीके से अपनी मदद कर सकते हैं। अगर जो बात पब्लिकली रखने में दिक्कत हो तो सबसे पहले परिवार के उस आदमी के सामने रखें जो जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, फिर उस बात को पूरी फैमिली के सामने बोलने की कोशिश करें और धीरे धीरे सबके सामने अपने आप एक्सप्रेस करेंगे तो आपकी एंजाइटी अपने आप ही कम होने लगेगी और धीरे धीरे आपकी एंजाइटी कम होते जाएगी। इसके इलाज में काफ़ी टाइम लगता है और धैर्य की बहुत ज़रूरत है, लेकिन ये बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है। और अंत में आप अपना और अपने फैमिली का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।